जीजू आयुष बच्चों को ना रेस्ट करने देते, डॉक्टर ने भी बोला है कि इनको रेस्ट करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो इनको सोने देते। पर चलो सो जाओ, क्या सो गए अच्छे से रिकवर करो, स्लीपिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। ओके सो आयुष हम भी चलते हैं, बच्चों को सोने देते हैं। पर एक सेकेंड, भाई को इतनी सारी केसेस मिली है तो बहन को भी तो हागी मिलेगी ना, मेरे पास आ जाओ। आ जाओ मेरा बच्चा, शेर बच्चा, इतना ब्रेव बेबी। गुड नाइट मेरे शेर बेबी। गुड नाइट चाचू। सो जाओ, रेस्ट करो। क्या सोच रहे हो ऋषि भाई? कुछ नहीं, बस एक सुकून फील कर रहा हूँ। सब कुछ अच्छा हो गया आयुष, सब यहीं पे एक साथ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे भी ऋषि भाई, ऐसा लग रहा ना कि कितने दिनों बाद ना, मतलब अंदर से खुशी हो रही है, दिल से, सेम वैसे जैसे जब लक्ष्मी यहाँ थी। हाँ कुछ तो मैजिक है यार ऋषि भाई उनमें। प्योर सोल है यार, नेक आत्मा, जैसे दादी कहती है ना, सच में वो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती है, और अपनों के लिए तो अपनी खुद की जान की परवाह नहीं करती। आई नो, कैसे नीचे चली गई थी बच्चों को बचाने के लिए, यार कैसे करती है ये? एक सेकंड, आप भी नेक आत्मा हो ऋषि भाई, प्योर सोल हो आप भी, आप भी तो गए थे यार नीचे बच्चों को बचाने, भाभी को बचाने, और जब तक बाहर थे सिर्फ आपकी बॉडी बाहर थी, आज तो अंदर ही था आपका। लेकिन सच में आयुष, आज जो कुछ भी हुआ ना, स्कैरी बहुत था। बहुत यार ऋषि भाई, अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के। था तो सही स्कैरी। लेकिन एक चीज मुझे सच में बहुत अच्छी लगी है, जब रोहन ने लक्ष्मी को लक्ष्मी माँ कह के बुलाया ना, सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मुझे। और ये सुकून आपके चेहरे पे दिख रहा है ऋषि भाई। हाँ कोई बात नहीं, रखे रहो। और आपके ये चेहरे का सुकून मुझे सुकून दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना ऋषि भाई, बहुत दिनों बाद ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से दिल से खुश लग रहे हो आप। ऑनेस्टली खुश क्यों नहीं होऊंगा यार, मैं सच में तुझे बता नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, किस तरह से फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर इमोशंस, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। इमेजिन यार, एक ही छत के नीचे हम सब, हमारा पूरा परिवार खुश है, हेल्दी है, एक दूसरे से प्यार करता है, और वो भी इतना प्यार कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोच रहा है। एग्जैक्टली, रियली, सच में ऐसा परिवार अगर एक साथ हो, और क्या चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सो व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करना है फिर आगे? तुझे मैंने बताया था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ आयुष, मैं बस लक्ष्मी के होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ, बस वो एक बार होश में आ जाए मैं माफी मांगूंगा उससे, सच में, और जरूरत पड़े तो हाथ फैला के भीख भी मांगूंगा कि प्लीज वो मुझे एक मौका दे दे, हमारे रिश्ते को एक मौका और दे दे। जस्ट इमेजिन आयुष, लक्ष्मी, रोहन, पारो, ये लोग मेरी जिंदगी में एक साथ आ जाए ना, तो मुझे और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान से। लक्ष्मी और पारो को मेरी जिंदगी में लाना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना और विश है। तो आपका ये सबसे बड़ा सपना और विश बहुत जल्दी पूरा होगा ऋषि भाई, आई ट्रस्ट यू मैन, आप ही पूरा करोगे अपना ये सपना। ऐसे भी ऋषि भाई, आज तक जो भी दिल से चाहे आपको मिला है ना, तो बस ये भी मिलेगा। ऋषि भाई, लक्ष्मी भाभी और पारो हमारे साथ होंगी, आपके साथ होंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए।